ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस का काम किसी भी प्रकार से किसी के धार्मिक अधिकारों का अपहरण करना नहीं है। क्या दंगे के डर से हिंदुओं के यात्राओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर रोक, हनुमान जयंती पर नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। पुलिस ने हिंदू वाहिनी को भेजा आदेश, रोक के बावजूद जहांगीरपुरी से निकलेगी शोभा यात्रा। हनुमान जयंती से पूर्व सुरक्षा टाइट, जहांगीरपुरी में कल क्या होगा? पिछले वर्ष दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हिंसा का मामला अब तक जो है वो कायम है और दिल्ली पुलिस ने इस बार रामनवमी के बाद हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर भी रोक लगा दी है। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो है तैयारियां यहां पर चल रही हैं कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ अरविंद मिश्रा बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने रामनवमी के बाद अब महावीर जयंती की शोभा यात्रा पर रोक लगा दिया है और फरमान भेज दिया है, कैसे देखते हैं? दिल्ली पुलिस का तुगलक ही आदेश है, क्योंकि धार्मिक यात्रा निकालना हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमारे मौलिक अधिकारों में इसको दिया है। लेकिन पुलिस मुसलमानों को खुश करने के लिए हमारे हिंदुओं के अधिकारों का दमन कर रही है। किस तरीके से, जो आप वो ऑर्डर की कॉपी आप दिखाना चाहेंगे, क्या आपको ऑर्डर आया है दिल्ली पुलिस की ओर से? ये जो दिल्ली पुलिस ने हमें ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम मंदिर के अंदर कार्यक्रम करें, मंदिर के बाहर किसी कार्यक्रम की अनुमति न मुझे, न विश्व हिंदू परिषद को, और न ही एक और शिवम साहू जो तीसरी रैली निकालने वाले थे उनको, किसी को भी अनुमति नहीं मिली है। और तीनों ही कार्यक्रमों को उन्होंने कहा मंदिर के अंदर तक ही सीमित रखना है, रोड पर नहीं आना है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम कार्यक्रम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, और कल का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न करने के बाद विषय हमारा कल के बाद शुरू होगा, क्योंकि यह हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का विषय है। और पिछले साल जो हनुमान जयंती की हिंसा का विषय बार बार पुलिस लेकर के आ रही है कि भाई गत वर्ष हिंसा हुई थी, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहूँ कि हिंदुओं की यात्रा पर हमला हुआ था वो, और उनके डर के कारण पुलिस हिंदुओं की यात्रा को रोक रही है। जबकि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप था कि उसने हमला किया, अंसार और सभी लोग, उन सब की जमानत हो गई। जिस पुलिस वाले के गोली लगी, वो पुलिस वाला अदालत में यही नहीं बता पाया कि गोली आई किधर से, और सबको जमानत मिल गई है। सब लोगों के दो नंबर के धंधे चल रहे हैं। और मैं एक आरोप बड़ा स्पष्ट पुलिस पर लगा रहा हूँ, कुशल चौक के ऊपर जितने भी PWD के और दिल्ली पुलिस के CCTV कैमरे हैं, उन कैमरों की जांच की जाए तो मार्च के महीने में सबको दिखेगा कि अंसार के साथ पुलिस वालों के रिलेशन कैसे हैं। जब अंसार उस इलाके में निकलता है तो जितने भी पुलिस वाले हैं वो एक रिश्तेदार के नाते उससे गले मिलते हैं। तो ये विषय पुलिस पूरी तरह से अंसार और उसके साथियों के दबाव में हिंदुओं का दमन कर रही है। साफ तौर पर बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं। जिस तरीके से अगर रामनवमी की बात करें तो वहाँ भी मनाही थी, भारी सुरक्षा के बीच जो है वो जुलूस निकाला गया। अभी आपकी क्या तैयारियां हैं? जो कार्यक्रम है उसमें फिर बदल कुछ किया गया है, या फिर जो कार्यक्रम आपका पूर्व में था उसी कार्यक्रम के तहत ये रैली निकलेगी? देखिए, कार्यक्रम हमारा पूर्ववत रहेगा, कार्यक्रम में हमारी ओर से कोई बदलाव नहीं है। यदि पुलिस हमें रैली निकालने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि हम तो निकालेंगे, यदि पुलिस हमें रैली निकालने की अनुमति नहीं देती है तो हम वहीं पर विरोध करेंगे, धरना देंगे, और उसके बाद इस सारे विषय को एक दिन के बाद हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, ये विषय जनता के सामने रखेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो एब्सोल्यूट पावर है वो पुलिस के पास नहीं है, वो जनता के पास है। और हम बताएंगे कि किस प्रकार से पुलिस हिंदुओं का एक एक उदाहरण और उसकी ऑडियो वीडियो के साथ, उसके एविडेंस के साथ, कि किस प्रकार से महिंद्रा पार्क थाने के अंतर्गत और जहांगीरपुरी थाने के अंतर्गत फिलहाल होली से लेकर के अब तक के बीच में कैसे हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, हिंदुओं को उनके त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है, और उसके लिए पुलिस जो है वो हिंदुओं के कलंदरे बना रही है, 751 में हिंदुओं को बंद कर रही है।
जिस तरीके से यदि बात रैली की करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक एहतियात के तौर पर तो नहीं देख रही इसे कि मना कर देते हैं, अभी माहौल भी ठीक नहीं है? नहीं, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस का काम किसी भी प्रकार से किसी के धार्मिक अधिकारों का अपहरण करना नहीं है। पुलिस हमारे अधिकारों का अपहरण कर रही है, हमारे अधिकारों को दमन कर रही है, कुचल रही है, क्योंकि यदि पश्चिम बंगाल के अंदर भी किसी यात्रा पर रोक नहीं लगाई है ममता बनर्जी ने, उन यात्राओं में हिंसा भले हुई है लेकिन उन यात्राओं पर न तो पश्चिम बंगाल में, न बिहार के नालंदा में, बिहार शरीफ में, सासाराम में, कहीं भी नहीं। और यदि दंगे की बात है तो दंगा तो गुजरात के बड़ोदरा में भी दो स्थान पर हुआ है, दंगा तो संभाजीनगर और जलगांव में भी हुआ है। क्या दंगे के डर से हिंदुओं के यात्राओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? जहांगीरपुरी के अंदर अभी सबे रात के कार्यक्रम वाले दिन मुसलमानों को सारी रात, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे के बाद कोई साउंड सिस्टम नहीं चलेगा, सारी रात ई ब्लॉक की 200 वाली, सी ब्लॉक के अंदर 200 वाली गली के पार्क में मुसलमानों ने सारी रात साउंड सिस्टम बजाया है और वहां पर जहांगीरपुरी के SHO ACP मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ लेकिन पुलिस उसके बारे में बोल नहीं सकी, पुलिस उनकी दाढ़ी में मक्खन लगाती रही। यानी कि रोक के बावजूद एक बार फिर से जहांगीरपुरी की सड़कों पर जो हिंदू सेना है वो उतरेगी और भगवा ध्वज लहराएगी? नहीं, सड़कों पे उतरेंगे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना कार्यक्रम करेंगे और यदि कार्यक्रम पुलिस नहीं करने देगी तो फिर उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एब्सोल्यूट पावर जनता के पास है, पुलिस की भी पोल जनता के बीच में हम खोलेंगे और ये सारा काम आने वाले दिनों में होकर रहेगा। साफ तौर से अरविंद मिश्रा पूरे पावर में कि जिस तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, रोक के बावजूद जो कार्यक्रम है वो होकर रहेगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, कार्यक्रम तो हम काफ़ी टाइम से करते हैं, अब इस तरीके की जो ये पुलिस मूवमेंट जो चला रही है गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। यहाँ तक कि होली वाले दिन जहांगीरपुरी के अंदर पुलिस ने सब जगह जबरन होलियाँ जलवाई हैं, यहाँ तक कि मैं भी एक सब्जी बेचता हूँ, मेरे पास भी पुलिस वाले आए थे भाई 9 बजे से पहले मार्केट बंद कर देना, तो मैंने बोला भाई क्यों, कह रहे भाई ऐसा ना वो सवेर रात है इसलिए ये पूरी मार्केट बंद होगी, तो मैंने उनको बोला भाई सवेर आते तो मैं अपने घर जाके ताला लगा के बैठ जाऊँ, घर से निकल लूँगा, आप खाना वाना पहुँचा देना घर पे मेरे। तो पुलिस ने बोला भाई तू कुछ ज़्यादा बोलता है, तेरे को हम देख लेंगे समय आने पे। तो मैंने कहा जी देख लेना, ओ बस इतना ही कहना। तो साफ तौर से यहाँ पर जो लोग हैं कह रहे हैं कि रोक के बावजूद भी जो ये यात्रा है वो निकलेगी, कैसे देख रहे हैं कि जो ये यात्रा है लगातार पुलिस जो है रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो है पूरे सड़कों पर बैनर पोस्टर पटे हुए हैं, कार्यालय में तैयारियां जोरों शोरों पर है? देखिए, हिंदू वाहिनी की ओर से पिछली ये 14 सालों से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और पिछली बार जो दूसरे समुदाय की तरफ से पथराव हुआ, हिंदू समुदाय पर ही पथराव हुआ, हिंदुओं की रैली पर ही पथराव हुआ, हिंदू ही पिटा, और आज स्थिति ये बना दी है पुलिस ने हमारी कि हिंदू अपना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। पुलिस कोई भी ना जानकारी देती है समय पे, और जो भी पुलिस को हमें मुहैया करानी होती है इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं देती है। तो आज जहांगीरपुरी को कहीं ना कहीं कश्मीर बनाने की तरफ बढ़ाया जा रहा है पुलिस की ओर से। साफ तौर पर जहांगीरपुरी को कश्मीर बनाने का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जहांगीरपुरी की जो सड़कें हैं वो बैनर पोस्टर से पटी हुई है। हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में हनुमान जयंती के अवसर पर यह 14वां वार्षिकोत्सव है और हनुमान शक्ति रैली निकालने की जो कोशिश है ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही कार्यक्रम को लेकर के जो मीटिंग्स है वो चल रही है कि आखिर किस तरीके से कार्यक्रम को सफल और सुचारू बनाना है। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, आप टेबल पर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक को बोलूँ तो वो भगवा झंडे के साथ साथ सब कुछ यहाँ पर जो है तैयारी को मुकम्मल रूप देने की कोशिश की जा रही है। और एक कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस पर कि किस तरीके से जो यात्रा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब ये रैली अपने सड़कों पर उतरती है और दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो फिर नज़ारा क्या होता है, किस तरीके से टैकल करती है दिल्ली पुलिस इस टास्क को। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, जहांगीरपुरी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर